गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड न्यू यूजर, जी एन ए कलेक्शन में आपका मैं स्वागत करता हूँ गुलाब। एक बार फिर से आज मैंने एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको बड़े साइज़ की 10 रुपये की नोट, जो आज़ादी के बाद से 1962 तक चले हैं, जो आज के नोटों की जो साइज़ होती है उसे डबल साइज़ का, उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी। इसमें 4 गवर्नर ने सिग्नेचर किए हैं। पहला गवर्नर इसमें सी डी देशमुख थे, और उसके बाद दूसरे सिग्नेचर थे बी रामा राव, थर्ड सिग्नेचर था एच बी आर आयंगर, और फोर्थ थे बी पी सी भट्टाचार्य। तो ये चारों नोट थे। इसमें सबसे रेयर कौन है उसकी मैं वैल्यू बताऊंगा, सबसे रेयर नोट की और उसके बंडल की क्या कीमत है, एक नोट की क्या कीमत है, और जो मैं कंडीशन दिखाऊंगा वो यू एन सी नोटों में की होती है, क्योंकि कलेक्शन के लिए यू एन सी ही नोट लोग घर में रखते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत होती है, एल्बम की शोभा बढ़ाते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों यूज़ कंडीशन में, टेपिंग लगा हुआ कंडीशन में भेजते हैं, तो दोस्तों वो सबके कोई कलेक्शन जो कलेक्टर है वो सब नहीं लेते हैं, वो कलेक्शन के लिए खूबसूरत ही नोट लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अब ये शुरुआत करता हूँ। ये आपके सामने 10 रुपये का पी सी भट्टाचार्य का नोट है दोस्तों। ये लास्ट इशू है बिग साइज़ नोट में दोस्तों। ये नोट 1950 से 62 के तक चला था, इस साइज़ में, ये पैटर्न में नोट। इसमें एक बैक में बोट होती है, इसमें साइड में नंबर होते हैं। अब दोस्तों सबसे महंगा नोट इसमें आपको सी डी देशमुख का आता है, जिसमें सेंटर में उसका सिग्नेचर होता है, वन साइड नंबर होता है, और ये जो वर्ड होता है वो फुल इंग्लिश होता है। तो एक तो सी डी देशमुख में भी ये बना हुआ है, बी रामाव सेकेंड इशू में भी आता है दोस्तों। तो यू इस कंडीशन में सी डी देशमुख की जो नोट होती है उसकी वैल्यू होती है 10 से 15 हज़ार रुपये की होती है दोस्तों, सिंगल नोट की वैल्यू है। तो सबसे महंगा ये नोट हो गया, इसमें यही नॉन महंगा। सेकेंड इशू नोट की कीमत 500 से 1000 रुपये के पीस बीच में होती है, ये उसका कंडीशन है। उसके बाद एंगर आता है, ये भट्टाचार्य आता है दोस्तों। इसमें इसकी कीमत होती है 200 से 250 रुपये तक के होती है इसकी नोट की कीमत। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एक नोट की कीमत 250 है, तो बंडल की कीमत 25 से 30 हज़ार की हो गई, और जो 500 से 1000 रुपये की जो मैंने बताई सेकेंड इशू बी रामा राव नोट, जिसमें फुल इंग्लिश है, उसका एक दो इशू और भी आते हैं, थर्ड इशू और फोर्थ इशू, तो वो सब कॉमन होते हैं दोस्तों। तो लेकिन सिर्फ फर्स्ट इशू ही सबसे महंगा नोट है। तो अगर मान लो सर दोस्तों एक नोट की कीमत अगर 15 हज़ार है, तो एक बंडल की कीमत 15 लाख होगी दोस्तों। ये कैसे कलेक्शन पर्पज से, शौक से, किसी को शौक होता है बंडल का, किसी को होता है सिंगल नोट का। मैक्सिमम 99% लोग ये सिंगल नोट ही कलेक्शन करते हैं, कि ये तो शौक की चीज़ है, हमारे देश की ये पुरानी हेरिटेज है, इसको संभाल के रखते हैं, ये इसका कोई बिजनेस नहीं होता है, ये एज ए शौक से एक पर्पस है कि हमारे देश में ये नोट चले थे। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे फेसबुक पे इसकी कीमत लाखों में बताई जाती है, इसके पीछे डबल बोर्ड बताया था दोस्तों। वो जो भी डबल बोर्ड की नोट है वो फेंक है, डुप्लीकेट है, वो सारे झूठ होते हैं दोस्तों। अब मैंने तो इसकी बता दिया कि सिंगल नोट की कीमत क्या है, रेयर और नॉर्मल की, एक तो एक इसकी वैल्यू, और इसके बाद ये होता है दूसरा वैल्यू बढ़ता है फैंसी नंबर से दोस्तों। अगर यही दो नोट इसका फैंसी नंबर हुआ, एक ही जैसे सारा अंक हो गए 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, तो दोस्तों तब इस नोट की वैल्यू हो जाएगी आपको 5000 रुपये हो जाएगी इस कंडीशन में एक पीस की नोट। मिनिमम वैल्यू 5000 है। अगर कलेक्टर को अगर कम हुआ और उसको ज़रूरत हुआ तो वो ज़्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं दोस्तों। अब इसी तरह से आपको फर्स्ट इशू के में अगर ये नंबर आता है ऑल 1 1 1 1 1 1 1, तो दोस्तों उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 50,000 प्लस, इतनी वैल्यू है एक नोट की कीमत की, अगर ये एक नंबर अच्छा हो जाता है तो। तो दोस्तों ये दूसरे हो गए, या लास्ट में अगर इंडिंग 786 होता है कोई भी इशू में, ये 10 रुपये से 1950 से 62 के बीच में ये कंडीशन में इस साइज़ में, तब नोट की कीमत होती है 1000 रुपीज़ होती है दोस्तों, सिर्फ एक नोट। ऐसे नॉर्मल नोट इसका 250 से 300 रुपये का होता है, लेकिन इंडिंग 786 होने से 1000 रुपये का होता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब तीसरा इसका वैल्यू होता है मिसप्रिंट से होता है, मिसप्रिंट, जैसे ये नंबर यहाँ मिसप्रिंट हो गया, गलत एक जगह से दूसरे पे प्रिंटिंग में पहले मिस्टेक हो जाती थी, हैंडमेड नोट है, हाथों से बनता था, तब उसकी भी कीमत 2000-3000 में होती है दोस्तों। कोई भी नोट की कीमत अच्छी वैल्यू पे ही होती है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सही वैल्यू पता
चले, अन्यथा अपने समय और पैसों की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। मेन मेरा मकसद है दोस्तों सही जानकारी देना। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है अपने पैसे और टाइम इन्वेस्ट करते और उसको लास्ट में रिजल्ट 0-0 मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जीएनए के कलेक्शन की तरफ से आप सब दोस्तों, यूज़र, न्यू यूज़र को, सब्सक्राइबर को धन्यवाद।